हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैंक फिटिंग कैसे करें। दोस्तों, ये हमने टैंक ले लिया है और एक इंची का हमारे पास जीआई का निप्पल है लोहे का, और हम इस पे होल कर रहे हैं जो कि बिस सेंटर में करना है। जैसे देख सकते हो, ये है बिस सेंटर इसका, इसी तरीके से ऊपर भी करना है। तो दोस्तों, ये याला होल जो है, जो हमारा टैंक का पानी नीचे को जाएगा, यानी कि आउटलेट पाइप का जो ये होल है, और पहला जो करा था वो इनलेट पाइप का था, और अब जो कर रहा हूँ मैं, ये जो होल है ये जो है ओवरफ्लो पाइप का है। इसे जो है आप एक इंची का या सवा इंची का कर सकते हैं, नॉर्मल सवा इंची का इस पर कंट्रोल करता है, लेकिन मैंने इस पर एक इंची का लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये होल मैंने कर दिए हैं। अब इसमें की जो प्लास्टिक तह के साइडों में आ गई है, उसे क्या काम करेंगे, आरी के ब्लेड से अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, ताकि हम इसमें वार्सल कुछ भी लगाएं तो हमारा वार्सल जो है सटीक इस पर चिपक जाए, जो कि हम सोलवेंट लगाकर इस पर चिपका दें। और दोस्तों, इसी तरीके से अंदर बाहर से जो है आपको जो है इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है। और दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आप टैंक की फिटिंग करना जो है आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी अंदर से भी सफाई करता हूँ, तो जो कि मेरा जो है इस पर हल्का सा भी रेशा नहीं है, तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने सफाई इसकी कर ली है, अब मुझे टैंक निप्पल लगाना है। टैंक निप्पल आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपका होल बिल्कुल फिक्स है, उसमें चूड़ी चढ़ती हैं। और दोस्तों देख सकते हो, एक वार्सल इधर की साइड में लगाना है, एक वार्सल और डिबरी जो है दूसरी साइड में लगानी है। 100 मैंने लगा दी हैं। तो ये दोस्तों, ये जो है मेरा इनलेट पाइप का वो है, ये मैंने जो है लगा दिया, और इसे बाद में आपको पेपरिंच की सहायता से जो है टाइट करना है। अभी मैं हाथ से कर रहा हूँ, पेपरिंच से इतना टाइट करना है ताकि इसकी जो है ये प्लास्टिक की जो वस्तु है ये टूट नहीं पाए, इसको जो है टैंक निप्पल बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने नीचे का भी लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको फाइनल करके ऊपर लेके जाऊँगा। तो दोस्तों, ये मेरा अंदर की डिबरी, अंदर की भी लगा दी। तो फ्रेंड, आ गए हम अपने छत पर, हम तीसरी मंजिल पर हैं स्टैम, और ये हमारा टैंक आ गया है। ये जो है इसका इनलेट है, और ये ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाला इनलेट है, और नीचे वाला जो है आउटलेट है, और ओवरफ्लो का पाइप भी हमने उधर की साइड में लगा रखा है। और फ्रेंड, ये दो पाइप आ रहे हैं निकल के हमारे, इनलेट और आउटलेट वाले। तो इसकी फिटिंग में क्या क्या सामान लगेगा टैंक कनेक्शन में, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हें ये बताने वाले हैं। मगर इससे पहले हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम जो है, ये हमारा जो है समरसेबल का पाइप है इनलेट वाला, और ये जो है आउटलेट वाला है। तो इसमें हम जो है एक इंची की लाइन जोड़ेंगे, इसमें आप सवा इंची का और दो इंची तक का जो पाइप है लोग बाग जो है जुड़वा लेते हैं, ताकि प्रेशर हाई हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हो, ये जो है हमने यहाँ से काट कर टी लगानी है, ये हमने टी ले ली है, और एक हमें यूनियन लगानी है एक इंची की, और एक लगाना है हमें एक इंची का गेट वाल। ये आ गया हमारा एक इंची का जो अपोलो का गेट वाल। तो अब दोस्तों, मैं इसकी फिटिंग को अब चालू करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड, फाइनली सारा सामान मैंने ले लिया है, अब मैं सोलवेंट लगाऊंगा जो मेरा टैंक निप्पल है इसमें, और करीब एक इंची का पाइप 6 इंची लंबा लेना है, जिससे कि कभी अगर हमारा यूनियन ख़राब हो जाए या वाल ख़राब हो जाए, उसे कट करके आसानी से लगा लें। अब दोस्तों, मुझे लगानी है यूनियन, यूनियन के बाद लगाना है इसमें वाल्व। ये मैंने एक इंची की यूनियन लगा दी है, और एक इंची का जो है 6 इंची लंबा जो है पाइप लगा दिया है, और यूनियन को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसे ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अब जो दोस्तों, मैं जो है करीब 6 इंची लंबा जो है एक और पाइप का पीस काट रहा हूँ, सो मैंने काट लिया है। और दोस्तों, इसको भी इसी तरीके से लगाना है, पहले यूनियन में लगाना है। अब दोस्तों, इस तरीके से क्या होगा, अगर हमें कभी टैंक हटाना भी होगा तो यूनियन खोलेंगे हम जो है, टैंक हटा लेंगे, और बाकी चीज़ हमारी इधर की साइड में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब लगाना है इसमें एक इंची का वाल। वाल को देख लेंगे, ज़्यादातर आदमी सीधे हाथ को खोलते हैं, आप उल्टा वाल ना लगाएं। तो मैंने वाल भी लगा दिया है, और मैंने टी रख कर जो है इसको भी काटना है, जो मेरा जो इनलेट पाइप है ये मैंने काट दिया है। तो फ्रेंड, चलिए दोस्तों, अब जो है मुझे टी का जो है सेटिक लेवल मिलाना है। मैंने पाइप का लेवल मिलाया तो थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, तो जिससे कि मेरी टी का ढाल, ये जो मेरे टैंक के पाइप का ढाल है टी की तरफ को रहे, जहाँ से मैं इस टाइम कट कर दिया हूँ, ये उठावा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पानी में टैंक में एक्स्ट्रा रहेगा,
पूरा खाली नहीं हो पाएगा कभी भी। तो दोस्तों इसको भी इसी हिसाब से जो है आपको जो है कट करना है, जिससे कि हमारी टी और जो हमारी टी है और जी का वाल है उसमें सटीक जो है लग जाए। अब दोस्तों टी किसी हिसाब से लगानी है, टी का एक हिस्सा जो है ऊपर को रखना है, देख सकते हो इस तरीके से। तो एक हिस्सा हमारा ऊपर की साइड में आएगा और एक हिस्सा जो है हमें वाल की तरफ लेना है। तो वाल की तरफ जो लेंगे इसमें को जो है हमारे टैंक का पानी आएगा। ये इसमें हमने वाल में जो है पाइप लगा लिया है और जो अभी इस पाइप को हमें टी में फांसना है। टी में फांसेंगे अच्छी तरीके से, इसमें जोड़ को लास्ट पूरे जोड़ को टी के लास्ट के कोने तक मिलाना जरूरी है, चाहे सोलवेंट आपसे कम लगे या ज़्यादा। अब दोस्तों ये जो टी का ऊपर वाला मुंह दिखाई दे रहा है इसमें आपको एयर का पाइप लगाना है टैंक के लेवल के बराबर, उससे थोड़ा ज़्यादा, कम से कम 6 इंच ज़्यादा टैंक के लेवल से 6 इंच ज़्यादा आप लगाओगे तो इससे जो है टैंक का पानी जैसे फुल भर जाएगा, तो इस पाइप में भी फुल भरता रहता है। और दोस्तों इसमें बाद में आपको जो लगानी है 1 इंच की टी लगानी है। अब दोस्तों मैंने जो है इनलेट पाइप की कटिंग करनी है मुझे। ये मेरा जो है इनलेट पाइप है, दूसरा वाला जो उनसे मैंने ऊपर लगाया था। अब इनलेट पाइप की कटिंग करके जो है मुझे इसमें एक एल्बो लगानी है ताकि मेरा जो है पानी जो है इसके अंदर चला जाए। देख सकते हो ये मैंने जो है इसको कट कर दिया है और एक में टी लगानी है गैस वाले में, और जो एक पाइप है उसमें जो है हमारा इनलेट पाइप आएगा, उस इनलेट पाइप में जो है एल्बो लगा करके अपने टैंक में जो है इसको फिट कर देना है। और दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपकी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मैंने एल्बो में दोनों साइड में लगा ले ली हैं, इसी तरीके से पाइप में भी दोनों साइड में लगानी है। अरे मान ली भाई, ये कुछ कोई मिला ना, ये देख सकते हो इस तरीके से कहीं पर भी सॉल्वेंट की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि माल मालिक लगा ला करके देता है। अगर आप कंजूसी करोगे तो आप जो है मार खा जाओगे, कहीं लीक हो जाएगी तो उसमें जो है परेशानी आएगी। तो इसलिए सॉल्वेंट लगाने में कमी नहीं करना क्यों, और इसके जो है साकेट फंसाने में भी एल्बो में कमी मत करना। तो चलिए दोस्तों ये जो फाइनल हो चुका है, अब मुझे जो है ये गैस वाला पाइप काटना है इस इनलेट पाइप से थोड़ा ऊपर। ये मैंने गैस का निशान लगा दिया है टैंक के लेवल से थोड़ा ऊपर। तो टैंक के लेवल से ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हमारा टैंक फुल हो जाता है तो इस पानी में भी धीरे इस पाइप में भी धीरे धीरे पानी ऊपर को आता रहता है। और दोस्तों जब हम वाल बंद करते हैं या टोटी चेंज करते हैं, वाल बंद करके जब उसे खोलते हैं तो इसमें जो है गैस निकलती है, जिससे कि पानी के राय जो है गैस ऊपर को फेंक देता है ये। तो चलिए दोस्तों अब इसमें जो है टी लगाएंगे ताकि इसमें कोई जो है पक्षी वक्षी इसमें कुछ कचरा वचरा ना गिरा दे या बंदर जो है खोल ना ले, इसलिए जो है हमें इसमें सॉल्वेंट लगाई है। तो दोस्तों फाइनली हमारी फिटिंग जो हो गई है, अब जो है हमारा फाइनली जो है एक काम रह गया है जो कि हमें ओवरफ्लो पाइप जो है वो लगाना है। सो इधर की साइड में लगाना है ओवरफ्लो पाइप, इस हिसाब से लगाना है ताकि आप जो है इसमें कभी भी एक इंच का स्टैम मैंने लगाया है क्योंकि 1 इंच का जो है टैंक निप्पल लाए थे, हालांकि इसमें 1.25 इंच का होना चाहिए क्योंकि जब टैंक हमारा भर जाता है तो 1 इंच का पाइप जो है पानी को कवर नहीं कर पाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी जो है काटते हैं, इसको इस हिसाब से काटेंगे। अगर ज़्यादा हाइट रखोगे तो ये जो है बंदर वंदर झूल जाते हैं इस पर, तो इसे टूटने का खतरा रहता है। इसकी जो है करीब 6 इंची काफ़ी है, 6 इंची पर ही आप एक एल्बो नीचे की साइड में करके जो है लगा दोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। तो चलिए दोस्तों इसमें एल्बो लगाते हैं बस। एडिटिंग करा करो ना, वीडियो को जोड़ा करो। ये हमने एल्बो लगा दी, एल्बो का ढाल इस हिसाब से रखना है कि टैंक के जो है साइड में जाए, और ये ओवरफ्लो का सुराख उस हिसाब से करना है जो कि हाँ हमारा पतला ना हो जहाँ छत पर।